दोस्तों बात करेंगे जेपीएससी पीटी एग्जाम का जो है एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे, आज से हम इसमें बात करेंगे। अगर हम बात करें एग्जाम डेट की तो देखिए फ्रेंड्स, ये इसका जो है एग्जाम डेट का जो है शेड्यूल है, जो कि 17 मार्च को आपका एग्जाम होने वाला है, दो पाली में। प्रथम पाली 10 बजे से 12 बजे तक, द्वितीय पाली जो है 2 बजे से 4 बजे तक। अब इसका जो है एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे, आज के विषय में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो इन्होंने जो है एक लिंक दे रखा हुआ है, एडमिट कार्ड फॉर कंबाइंड सिविल सर्विसेज पीटी जनरेशन 2024। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड का जो है लिंक इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, इस प्रकार से। और यहीं पे देखेंगे तो इन्होंने जो है एग्जाम शेड्यूल के बारे में भी यहाँ पे इन्होंने दे रखा हुआ है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहीं पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है ना एडमिट कार्ड डाउनलोड का लिंक मिलेगा, आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। जिस हिसाब से क्लिक करेंगे यहाँ पे अब आपको जो है ना अपनी जानकारी भरने का ऑप्शन आएगा, अपनी जानकारी को भरेंगे। तो जानकारी में देखिए यहाँ पे क्या मांग रहे हैं, तो अपना फोन नंबर या ईमेल आईडी या अपना कैंडिडेट्स आईडी, तीनों में से कोई भी ऑप्शन को क्या करेंगे, फिल करेंगे। पासवर्ड जो आपने बनाया था फॉर्म भरते समय, वो आप पासवर्ड लिखेंगे और लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप फॉरगेट भी कर सकते हैं, इजिली फॉरगेट हो जाएगा। तो चलो हम यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स, आपको जो एक पेज डाउनलोड होगा कुछ इस प्रकार से पेज होगा, ये 3 पेज का जो है आपका एडमिट कार्ड है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका सारा जानकारी इस एडमिट कार्ड पे दिया हुआ है, कि पेपर 1 का जो है सीटिंग कब टाइमिंग रिपोर्टिंग है, और पेपर 2 का जो है सेकेंड सीटिंग में आपका कब जो है टाइमिंग का रिपोर्टिंग है। इसके अलावा जो है कम्प्लीट एड्रेस भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसे एक बार जरूर पढ़ेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे जो चीजों को हाइट कर दिया हुआ है, और ताकि आपको मैं आसानी से समझा सकूँ। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये सारा जो है आपका एडमिट कार्ड पे सारी जानकारी छपी हुई है, आप जानकारी को पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है 15 मिनट जो है आपको, नो कैंडिडेट्स विल बी अलाउड एट इंटर द एग्जामिनेशन हॉल 15 मिनट आफ्टर शेड्यूल टाइम। मतलब शेड्यूल टाइम के 15 मिनट बाद जो आपको एग्जाम सेंटर पे अलाउड नहीं करे जाएंगे, तो आप हमेशा कोशिश करिए पहले 1 घंटा 1.5 घंटा पहले पहुंच जाए। इसके बाद से यहाँ पे आपको जो है एडमिट कार्ड एंड अटेंडेंस शीट पे आपको जो है लेकर आना है। अब ये सारी जानकारी आप पढ़ेंगे, इसमें गाइडलाइंस दिया हुआ है। आंसर शीट विल बी प्रोसेस बाय इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से आंसर शीट आपका जो है प्रोसेस किया जाएगा। इसके वजह से यहाँ पे जो है लिखा गया है कि रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली गिव इन द कवर एंड बैक पेज पे, और क्वेश्चन बुकलेट के और बैक साइड पे ओएमआर के जो है बहुत सारे जो है आपको केयरफुल इंस्ट्रक्शन दिया, आप उसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट से आपको ओएमआर शीट को रंगना है, यहाँ पे आपको देखिए लिखा गया है। और यहाँ पे पेंसिल प्रोविएटेड है, साफ साफ लिखा गया है। आपको जो रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको जो है एग्जाम सेंटर पर लेकर जानी है, और एडमिट कार्ड भी आपको लेकर जाना है, और एक जो है हाल ही का आईडी प्रूफ लेकर जाना है, जो कि आधार कार्ड पैन कार्ड कोई भी हो सकता है। और यहाँ पे आपको देखिए लिखा हुआ है कि वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ आपको कैरी करना है, आधार कार्ड पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस। कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन। एडमिट कार्ड हैज बीन इश्यू प्रोविजनली, ये प्रोविजनली एडमिट कार्ड आ चुका है आपका। और रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको एक एडिशनल लेके जाना है, यहाँ लिखा हुआ है मस्ट ब्रिंग 1 एडिशनल रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो आप फ्रेंड्स इन सभी गाइडलाइंस को देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट सीटिंग का जो एग्जाम सेंटर वगैरह अटेंडेंस शीट यहाँ लिखा हुआ है, इस तरह से आपके पेज होंगे, आप इसे प्रिंट आउट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सेकंड सीटिंग के लिए यहाँ पे दिया हुआ है फॉर एग्जामिनेशन सेंटर, यहाँ देखिए आपका दिया हुआ है। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर खत्म हो जाता है, मतलब 3 पेज का है आपका जो है एडमिट कार्ड है, तीनों पेज को डाउनलोड करना है, आपको लेकर जाना है अपने एग्जाम सेंटर पे। थोड़ा सा फ्रेंड्स आपको वेबसाइट जो है स्लो देखने को मिलेगा, लेकिन आपको रीट्राई करते रहना है, क्योंकि डाउनलोड होने में थोड़ा सा समस्या भी हो रही है, वेबसाइट बहुत ज्यादा स्लो है। तो आप यहाँ रीलोड रीट्राई करते रहिएगा अपनी जानकारी को भर के, जैसे कि अपना लॉगिन डिटेल्स को भर के रीट्राई री लॉगिन आप करते रहिएगा, आपका जो है हो जाएगा। थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि लिंक अभी अभी एक्टिवेट हुआ है, काफी सारे लोग यहाँ पे डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो स्लो भी हो सकता है, वेबसाइट स्लो है भी। या देखिए बहुत ज्यादा प्रयास करने के बाद जो है ये एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ है, तो अभी प्रयास करिए, रीट्राई करते रहिए। आशा करता हूँ आपको जानकारी समझ में आएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।